फिल्म 99 सॉन्ग्स के प्रमोशन में एआर रहमान इन दिनों कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं चेन्नई में आयोजित एक इवेंट के दौरान फिल्म के लीड एक्टर एहान भट्ट और एआर रहमान दोनों मौजूद थे। तभी वहां खड़ी एंकर दोनों कलाकारों का स्वागत करती है। एंकर ने पहले तमिल में एआर रहमान का स्वागत किया और उसके तुरंत बाद ही वो एहान का स्वागत हिंदी में करती सुनाई देती है। एंकर को हिंदी बोलते देख रहमान उन्हें ट्रोल कर देते हैं और स्टेज से नीचे उतर जाते हैं। हालांकि रहमान ये सिर्फ मजाकिया तौर पर करते हैं, लेकिन उनकी इस हरकत से फैंस काफ़ी नाराज़ हैं। स्टेज के नीचे उतरने के बाद रहमान एंकर से कहते हैं, क्या मैंने आपसे पहले नहीं पूछा था आप तमिल में बोलेंगी या नहीं? एंकर अपनी सफाई देते हुए कहती है, उन्होंने केवल एहान को खुश करने के लिए हिंदी बोला था। इसके बाद रहमान हंसते हुए बोलते, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वहीं कई लोगों ने एआर रहमान के इस व्यवहार को हिंदी भाषा का अपमान बताया। यहां तक कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दिया कि उन्हें एआर रहमान जैसे बड़े कलाकार और महान शख्सियत, जिन्हें उनके म्यूजिक के कारण हर भाषा के लोगों से प्यार मिलता है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि एआर रहमान के रिएक्शन से ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो किसी किस्म का मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वो अपने शांत स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। ऐसे में उनका कहना कि मैं मजाक कर रहा था, हजम होने लायक तो नहीं लगता। एआर रहमान को पूरे देश के लोग पसंद करते हैं और हिंदी गानों को बनाकर भी उन्होंने खूब प्रसिद्धि पाई है। ऐसे में हिंदी भाषा के प्रति उनकी इस प्रकार की नफरत उन्हें शोभा नहीं देती। बात फिल्म 99 सॉन्ग्स की करें तो विशेष कृष्णमूर्ति इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें एहान भट्ट और अमेरिकन अभिनेत्री एडिसली वर्गेस लीड रोल में नजर आएंगी। बता दें, एआर रहमान न सिर्फ इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, बल्कि उन्होंने स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी काम किया है। ये म्यूजिकल स्टोरी आने वाली 16 अप्रैल 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।